वेलकम टू गुडर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने जैसा देखा कि टेस्ट 3 के अंदर हमारा जो सर्वलेट नेम है वो S3 है। इस सर्वलेट नेम के अंदर हम जाएंगे और इसके अंदर जो हमारी सर्वलेट क्लास है वो com.coder के अंदर फाइनल सर्व करके मिलेगी। तो इसके लिए आपको सभी को जाना पड़ेगा जावा रिसोर्स के अंदर com.coder के अंदर फाइनल सर्व के नाम से आपको क्लास मिली। तो यहां पर हमारी जो फाइनल सर्वलेट है यहां पर हमने क्रिएट किया है। तो आपको याद होगा कि लास्ट सर्वलेट के अंदर, सेकेंड सर्वलेट के अंदर हमने दो वैल्यू को सेंड किया था। पहली वैल्यू हमारी थी, यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं, सेकेंड सैलरी और यहां पर सेकेंड लोकेशन, ये दोनों वैल्यू हमने सेट किए थी, सेंड की थी। और ये सेंड करके हमने फॉर्म के थ्रू ये हमने वैल्यू कहां पर भेजी, फाइनल सर्वलेट के अंदर। तो यहां पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनल सर्वलेट के अंदर हम सेंड कंटेंट टाइप करने वाले हैं और स्ट्रिंग के अंदर सेकेंड सैलरी और सेकेंड क्या करने वाले बच्चों, सेकेंड लोकेशन को यहां पर हमने क्या किया, गेट किया गेट पैरामीटर मेथड के थ्रू। और उसके बाद में हमने यहां पर HttpSession सेशन गेट सेशन को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। फॉल्स करने के बाद अब इस पेज पर हमारी सेशन क्या होगा, क्रिएट नहीं होगी। जो भी हमारी वैल्यू आएंगी उस वैल्यू को हम यहां पर क्या करने वाले, फेच करने वाले हैं। हमारा यहां पर लास्ट पेज पर जो पहले हमारी सेशन क्रिएट हो चुकी है, मैंने आपको बताया था जो पहले सेशन क्रिएट हो चुका है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो आपकी क्रिएटेड रहेगी। लेकिन इस पेज पर सेशन हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो करंट एग्जिस्टिंग सेशन आपकी क्रिएट नहीं होगी। अब हमने यहां पर क्या किया, स्ट्रिंग के थ्रू आपकी नेम्स एड्रेस, उसके बाद आपकी एज, उसके बाद एक्सपीरियंस और स्किल, ये पांचों वैल्यू को हमने कॉल किया जो हमने पहले सेशन को क्या किया था, बोलो, क्रिएट किया था। आपको याद है सेट एट्रीब्यूट किया था। यहां पर हम प्रीवियस सेशन से गेट एट्रीब्यूट के थ्रू यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को गेट करेंगे गेट एट्रीब्यूट मेथड के थ्रू। वहां पर हमने सेट एट्रीब्यूट किया था, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, गेट एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर हमने क्या पास किया है, की को पास किया है, ये हमारी सारी कीज हैं। तो कीज के थ्रू हम सारी वैल्यू को यहां पर क्या करने वाले हैं, गेट करने वाले हैं। इसके बाद बच्चों हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इन वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं, इन वैल्यू को स्टोर कराने वाले हैं डेटाबेस में। तो डेटाबेस के लिए आपको जैसा मैंने JDBC ट्यूटोरियल्स में बताया, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक क्लास डॉट फॉर नेम मेथड के थ्रू डेटाबेस का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ओरेकल ड्राइवर हमारी क्या है, क्लास नेम है। उसके बाद हमने यहां पर गेट कनेक्शन एक कनेक्शन क्रिएट किया। JDBC हमारा क्या है, आप सभी को मालूम है। ओरेकल हमारा क्या है, थिन क्या है। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप मेरे JDBC के ट्यूटोरियल्स में जा सकते हैं और वहां पर इन सारी चीजों को डिटेल्स में समझ सकते हैं बच्चों। तो यहां पर हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज किया। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो नॉर्मली हम डायनेमिक वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम लोग डायनेमिक वैल्यू के लिए यूज करते हैं। हम यहां पर रन टाइम पर क्या करने वाले हैं, वैल्यू को इंसर्ट करने वाले हैं। कौन से टेबल के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं, इन्फो डिटेल्स। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन्फो डिटेल्स नाम की टेबल क्रिएट करना पड़ेगी हमारे डेटाबेस में। तो इसके लिए हम लोग SQL डेवलपर ओपन करेंगे और सबसे पहले इन्फो डिटेल्स नाम की टेबल ओपन करेंगे। और इस इन्फो डिटेल्स टेबल के अंदर हम लोगों को अलग अलग कॉलम्स, अलग अलग रोज बनाना पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखिए, हम नेम एड्रेस एज एक्सपीरियंस स्किल सैलरी और लोकेशन नाम के क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं वैल्यूज को। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं SQL डेवलपर और देखते हैं किस तरीके से हम टेबल उसके अंदर बनाने वाले बच्चों। तो बच्चों हमारा SQL डेवलपर स्टार्ट हो चुका है। इस SQL डेवलपर में हम लोग क्या करेंगे, इन्फो डिटेल्स नाम की टेबल को हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो इन्फो डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, वहां पर एक बार नेम मैच कर लेते हैं,
जो हमने यहाँ पर इन्फो डिटेल दिया है कॉपी कर लो और यहाँ पर जाकर इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको पता है नेम हमने लिया है वेयर कैरेक्टर 13, इसको अपन थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको अपन 30 कर देते हैं। उसके बाद एड्रेस को करीब 50 कर देते हैं, आप इससे बड़ा भी ले सकते हो। एज हमने 2 लिया है, इसको 10 कर दो। और इसके बाद आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस है, इसको भी आप 10 कर दो। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो स्किल्स हैं, स्किल्स को आप 13, इसकी जगह मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ कैरेक्टर्स। और यहाँ पर जो सैलरी है वो हमारी नंबर्स में आएगी, तो सैलरी को आप यहाँ पर 30 कर दो। और इस तरीके से यहाँ पर हमने लोकेशन को हम यहाँ पर 20 कर देते हैं, जिससे हमको यहाँ पर 30 कर देते हैं। और इसके बाद में हम इसको क्या करने वाले हैं, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो आपको यहाँ पर पता चला इन्फो डिटेल्स नाम की टेबल हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और इन्फो डिटेल्स नाम की हमारी टेबल यहाँ पर क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। तो बच्चों अब हम दोबारा चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ दोबारा ओपन किया हमारा सर्वलेट और यहाँ पर हमने क्या किया है, डायनेमिकली हम यहाँ पर टेबल के अंदर क्या करने वाले हैं, डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं। इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, अगर यहाँ पर इंट जे नाम का हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल लिया और पीएस हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके थ्रू हमने एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल किया। अगर यहाँ पर हमारी जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आपको यहाँ पर एक मैसेज शो होगा सक्सेसफुल, और अगर ये वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी तो आपको यहाँ पर रेड में दिखेगा, यहाँ पर बोलेगा ट्राई अगेन। और इसके बाद में यहाँ पर आपका एक एक्सेप्शन भी आएगा अगर आपने कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम जनरेट की। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हमारा ओरेकल का ड्राइवर को ऐड करेंगे। तो आपको लोगों को सभी को मालूम है कि पहले हम क्या करते थे, किस तरीके से ऐड करते थे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पहले से यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप अगर इसको मैं पहले हटा देता हूँ इसको और अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर ऐड करना है तो आप यहाँ पर एक्सटर्नल जार में जाएंगे, हमारा जो ड्राइवर है वो डाउनलोड के अंदर यहाँ पर ओरेकल नाम से है, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। ओपन करेंगे इसको तो यहाँ पर ड्राइवर आ गया, अप्लाई एंड क्लोज करेंगे बच्चों। तो बच्चों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस प्रोग्रामिंग में बताने वाला हूँ, उस प्रोग्रामिंग को आप बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ पर काफी बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं और वो बच्चे इस लायक नहीं है कि उस प्रोग्राम को वो लोग क्या कर पाए, रिजॉल्व कर पाए। तो काफी बच्चे मैसेज करते हैं सर ये हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोगों को मैं ये पहले पूरा कंप्लीट दिखा दूं जो लोगों पर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एल्स कैच लगाया है और ये डू मेथड, आप लोगों को लिखना है लिखो या तो मत लिखो, कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या प्रॉब्लम आता है और किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को रिजॉल्व करते हैं। तो मैं रन एज ए क्या करने वाला हूँ, सर्वर करने वाला हूँ, जो सर्वर मैंने पहले से ही टॉमकेट का यूज किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जा सकते हैं और देख सकते हैं, मैं इसको फिनिश करूंगा। तो आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है, सर्वर आपका वर्किंग में है और सर्वर सेटअप इन 826 MS स्टार्टअप कैटलिना स्टार्ट हो चुका है। अब आपको ये प्रोग्राम ब्राउजर पर लेके जाएगा और ब्राउजर पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम वर्क करता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारा जो प्रोग्राम रन किया है, हमारा यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है index.html। इसके अंदर मैं अपना नाम एंटर करने वाला हूँ, एंटर यूर नेम, मैंने मेरा नेम एंटर किया लोकेश। इसके बाद एड्रेस में इंदौर दे देता हूँ, एज में दे देता हूँ 27 और इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आपको दिखेगा पहला पेज, मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाता जाता हूँ। फर्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं और आपको यहाँ पर तीन डिटेल दिखेंगी,
तो मैं नीचे करता हूँ, index.html को ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है हम कौन कौन सी वैल्यू को पास करने वाले हैं index.html के अंदर। हमने यहाँ पर नेम पास किया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेम पास किया है, नेम, एड्रेस और एज। तो हमने नेम और एड्रेस और एज को पास किया, और यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो सेकेंड पेज हमारा आएगा, और सेकेंड पेज के अंदर आपने देखा था यहाँ पर हमारा टेस्ट वन कॉल हुआ, और टेस्ट वन हमारा जैसे ही कॉल होगा तो टेस्ट वन पे हमारी सर्वलेट फर्स्ट है। तो यहाँ पर आपको देखो ये तीन वैल्यू नहीं दिख रही है, यहाँ पर ये दो फॉर्म दिख रहे होंगे। यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म दिख रहे होंगे, एंटर योर एक्सपीरियंस, एंटर योर स्किल। तो एंटर योर स्किल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये एंटर योर स्किल, एक्सपीरियंस और एंटर योर स्किल। जैसे ही मैं यहाँ पर दोनों वैल्यू को, एक्सपीरियंस को एंटर करूंगा 5 ईयर, स्किल जावा, और कंटिन्यू करूंगा, तो ये हमारा टेस्ट टू पेज आ जाएगा। तो टेस्ट टू पेज पे हम चलते हैं। टेस्ट टू पेज पर हमने देखा था, यहाँ पर भी हमने प्रीवियस सर्वलेट में हमने सेट कर चुके हैं, यहाँ पर भी हमने सेट किया है, और यहाँ पर आपको वैल्यू एक्सपीरियंस और स्किल यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो, और इसके बाद हम दो वैल्यू पास करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी और लोकेशन। तो यहाँ पर देखिए आपने एक्सपेक्टेड सैलरी मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने प्रिफर्ड लोकेशन क्या डाला, इंदौर डाला। इसके बाद जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर मिली, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, ट्राई अगेन। मींस आपकी वैल्यू डेटाबेस के अंदर जाकर स्टोर नहीं हुई, इसको हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे इन्फो डिटेल्स नाम की टेबल के अंदर क्या वो वैल्यू आकर स्टोर हुई। तो सबसे पहले इसको हम क्लोज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर आप लोग इन्फो इसको डाउन करेंगे, एल से चला गया यहां पर। तो देखिए इन्फो डिटेल्स नाम के हमारी टेबल बनकर रेडी हो चुकी है बच्चों, और यहां पर हम देखने वाले हैं डेटा, क्या इसके अंदर कोई डेटा आया, नहीं आया। मींस आपका वहां पर कुछ इशू क्रिएट हुआ, तो हम जाएंगे सर्वलेट के अंदर और देखेंगे यहां पर आपको क्या मिल रहा है, javalang.class.not.found.oracle.jdbc.driver। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि जो हमारा नया सर्वलेट का सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आपको JDBC का ड्राइवर इस प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर यहां पर सेट नहीं करना है। अगर मैं ये ड्राइवर यहां से हटा देता हूं, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और अप्लाई करता हूं, अप्लाई एंड क्लोज करता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो नया सेटअप करना है उसके लिए आपको रन एज में जाना है, ये याद रखिए, कॉन्फिग्रेशन में जाना है, रन कॉन्फिग्रेशन में जाना है, क्लास पाथ में जाना है, इस क्लास पाथ में जाकर यूजर एंट्रीज के अंदर जाकर आपको उस ओरेकल ड्राइवर को क्या करना है, स्टोर करना है। जैसे ही आप यहां पर इसको यहां पर ऐड करेंगे और अप्लाई करेंगे एंड क्लोज करेंगे, इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, सर्वर को स्टॉप करेंगे, और सर्वर को स्टॉप करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को दोबारा रन करेंगे। जैसे ही आप इस सर्वर को रन करने वाले हैं, वैसे ही आप देखिएगा कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन होता है, आपका सर्वर रन हो रहा है, हमारा ये पेज ओपन हो गया है। अब इसके अंदर मैं डिटेल फटाफट फिल करने वाला हूँ, लोकेशन फिल करने वाला हूँ, एड्रेस में इंदौर लिख देता हूँ, 27 डाल देता हूँ इंदौर, इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, एक्सपीरियंस लिख देता हूँ 5, स्किल जावा, कंटिन्यू, सैलरी इतना, लोकेशन इतना, और इसको मैं करने वाला हूँ सबमिट करने वाला हूँ। तो बच्चों आप यहाँ देखिए हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, और यहाँ पर हमको सक्सेसफुल का रिजल्ट आ गया है। तो हम देखते हैं, हम चलते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या डेटा आया। तो आप यहां पर देखेंगे कि हमको यहां पर डेटा हमारा यहां पर इंसर्ट हो चुका है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बने रहिए कोडर के साथ।